हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भैया आज के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बताया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, क्योंकि भाई ये लोग रेगुलर आते थे, तो इनसे ही अभी आप लोगों को पूछवाएंगे और इनसे ही पूछेंगे यहाँ पे क्यों नहीं आ पाता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, जो हमारे वीडियो के कमेंट के जो विनर हैं, तो हम इनको भैया फिर से जो भी 500 रुपये थे पे कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी करिएगा कमेंट और आप लोग भी जीत सकते हो 500 रुपये। तो यहाँ पे जो विनर है, स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप लोग देख लो, इनको भी मैंने पे कर दिया। तो इनसे पूछते भाई आखिर यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्या चीज़ है ऐसा इस लोकेशन पे, क्योंकि रात के अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 10 बज रहे होंगे। और आज इनको इसलिए यहाँ पे लेके आए हूँ क्योंकि भाई इनको एक बार नहीं, दो तीन बार वो चीज़ें दिख चुकी हैं और बाल ही बाल बचे हैं। आज इनको हम लेके आए हैं क्योंकि हमारे भाई वीडियो जो इनका छोटा भाई है, ये वीडियो हमारी देखता था, तो इसीलिए इसने हमको बुलाया है, तो हम आज यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग भी भैया फटाफट एक अच्छा सा कमेंट करना है और आप लोग जीत सकते हो 500 रुपये। तो सबसे पहले इनसे मालूम करते भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश। आपका नाम भैया क्या है? हरिओम। हरिओम भाई, हरिओम। दोनों लोग भाई भाई हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे रोज दिखाई देती हैं? हाँ, रोज मैं ले जाता तो रोज दिखाई। अच्छा, जब लेके आते हो तब दिखाई देती है? अच्छा अच्छा तो यहाँ पे क्या दिखाई देती है तुम्हें? बच्चा है ना। हाँ, बच्चा, उसकी माँ दिखाई देती है। अच्छा, बच्चा है और उसकी माँ है, दो चीज़ें, ठीक है। क्या हुआ था इसके साथ, कुछ बताओगे इसके बारे में, जानकारी दोगे? इसकी जानकारी आप को सकते हैं। अच्छा, वो तो पता ही हमको, हमें लगा था कि पता ही। गांव तुम्हारा यहाँ से कितनी दूर पे है? है तो बहुत दूर, मतलब। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर है, मैं बेचता हूँ ये सब, मतलब। अच्छा अच्छा, ये हाँ देर हो जाती तो इनका भैया घर है काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, जो यहाँ पे है लड़का है और उसकी माँ है, जो कि यहाँ पे लड़का हमेशा रोता हुआ दिखे देता है। ये भैया, ये लोग दोनों लोग भैया हैं, जो भाई भाई हैं, ये लोग हमेशा लैया अपना घोसते हैं और इसी से गुजारा करते हैं। ये जा रहे थे अभी लास्ट, 5 ही दिन हुए ना जब जा रहे थे, जब तुम लोग बाल बाल बचे हो, तो इनको ठेला वाला इनके ऊपर यार पता नहीं है कैसे बच गए, क्योंकि यहाँ पे भैया कोई आता नहीं, जैसा कि गांव वाले बोले हैं, जैसा कि उन दोनों के साथ ऐसा हुआ है। उन जो दोनों की माँ और बेटे हैं, उनको उनके ही घर वालों ने भाई जान से मार दिया था और उसके बाद यहीं पे लग के जला दिया था, या जो भी कुछ डाल दिया हो या दफना दे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद आज भी माँ और बेटे यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो चलते हैं फिर। कहाँ पे दिखाई देते हैं बताओ, चल के? हाँ तो चलिए चलिए, तुम लोग चलिए आगे आगे, चलिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? क्योंकि हम लोग हैं, सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी तुमको दिया ना अभी, ठीक है, सेफ्टी को मन निकालिएगा। तो भैया हम इनको आज यहाँ से पार करवाते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो चीज़ क्लियर करते हैं, क्योंकि वो दोनों काफ़ी लोगों को भी परेशान कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में बताया है, जैसे कि जानकारी हमको मिली थी, तो भी हम भैया यहाँ पे आए हैं और इस भाई सर्वेश भाई ने हमको बताया है। तो सर्वेश भाई अच्छा, यही जो पेड़ है ना, ये वाला पेड़ बाथरूम कर रहे थे ना यार, अरे यार बाथरूम नहीं करना चाहिए था तुमको। ओए, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यही ना, यही। हाँ भाई, देखो देखो खड़ा रहना, एक मिनट चुप रहो, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि डर भाई सबको लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे भैया वो दोनों दिख चुके हैं, ये देखो यही है ना लड़का, जो भैया बताया जाता है कि हमेशा वो रोता रहता है, वो देखो लड़के की आत्मा और वो रही उसकी माँ। भाई झूम करके दिखा दोनों को, झूम कर भाई, किया झूम, क्योंकि इनके साथ जो भी कुछ हुआ है भैया गलत हुआ है, और इनको क्यों इनके ही घर वालों ने जान से मारा है ये तो किसी को भी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इस जानकारी को हम लोग यहाँ से अगर कुछ भी मिलती है तो ठीक है, और इनको जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रोड है कई गांव तो गई हुई है ना, कई गांव के लोग इस पे निकलते हैं। एक मिनट रुक, चल थोड़ा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ठेले को भी ले चलते हैं, क्योंकि भाई ठेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही जो है रोजी रोटी। कोई नहीं, हम कर लेंगे थोड़ा। ये जो लड़का है ये काफ़ी ज़्यादा भाई रोता रहता, मैं जानता हूँ जो भी कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों ने किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन
अब जो भी कुछ हो गया है उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं करते, लेकिन अगर अब भी कुछ तुम्हें चाहिए हो तो वो ज़रूर हम ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करेंगे, अगर कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई हो कि ना, क्योंकि बहुत लोगों की भाई ख्वाहिशें होती हैं कि हमको ये करना है अपनी लाइफ में और वो चीज़ ना कर पाएँ तो भाई उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती या शांति नहीं मिल पाती है, उनकी आत्मा भटकती रहती। तो भाई यहीं पर थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और भाई ले पकड़ अपना ब्रेक लगा ले भाई एक मिनट। तुम लोग यहीं पे रुको कैमरा, भाई तू भी यहीं पे निर्मल रुकना, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ आखिर कंफर्म करता हूँ भाई, आखिर जो भी कुछ तुम लोग चाहते हो बता। तुमको लगता है कि ठेला तुमको बैक करना पड़ेगा और ये रास्ते से दूसरे रास्ते पर ले जा, रुक रुक ब्रेक हटा ले, ब्रेक हटा ले भाई, थोड़ा बैक कर ले भाई, थोड़ा बैक कर यार, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं लगता कि हम लोग भाई जा सकते हैं उस तरफ, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना है, साफ है हमें लगता है निर्मल भाई। तो यही पर उस दिन तुमको दिखी थी ना सर्विस, कहाँ पे चोट बाथरूम कर रहे थे उसके बाद इस पे दिखी कस के दोबारा भी मेरे को थापड़ गिर पड़ा, मैं उधर और मैं ठेला वाला सारा लौट दिया। चलो कोई टेंशन नहीं आज, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पास नहीं जाने का, क्योंकि भाई इनके पास पता नहीं कब क्या कर दें, किसी को भी भरोसा नहीं है, मानते हैं कि सेफ्टी है लेकिन फिर भी जान ले सकते हैं ये दोनों, क्योंकि भाई इनके अधूरी ख्वाहिश है कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो 12 नहीं बजे 10 बजे तो हम लोग घर से ही आए थे, 11:30 बज रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर भैया हमको हो गई है और इन लोगों को घर भी पहुंचाना है, क्योंकि घर इनको यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दूर, 5 होगा ना हरे भाई, हाँ 5 होगा, तो 5 या 6 होगा, तो इनको हम इनके घर तक छोड़ेंगे, इस रूट से नहीं दूसरे रूट से छोड़ेंगे, क्योंकि अगर इस पे जाते तो भाई जान ले सकते, तो एक बार कन्फर्म करते। आप सब लोग ठेला खड़े रहने दो, ये देखो लड़का भैया अभी भी जहाँ पे रो रहा है और इसको चाहिए मुक्ति, यहाँ से हमको लग रहा है कि जल्द से जल्द मुक्ति दिलानी पड़ेगी वरना यहाँ पे जान भी जा सकती है। तो एक बार जो उसकी माँ है भाई वो तो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से शांत है, अगर एक बार माँ उसकी भैया अगर कुछ सोच लिया जान से मारने को तो भैया किसी को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा परेशान करना भी सही नहीं होगा सर्वेश भाई, जो चीज़ देखने या आए थे वो चीज़ तो दिख ही चुकी है। तो हम एक बार करते हैं थोड़ा एक बार बाइक करके अपनी बाइक पर चलते हैं, दूसरा रोड लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जा पीछे जा भाई पकड़, अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे उस तरफ को कर लेते हैं और फिर, क्योंकि अगर जब तक ये यहाँ पे इस रूट पे रहेंगे तब तक निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि जान भी जा सकती है। तो निर्मल भाई आगे आ यार, आगे जा, आगे से ले भाई यार हर चीज, क्योंकि कुछ भी भाई हो सकता है, तो इसी ओए ओए यहाँ पर था भाई पेड़ पास था, वो देखो कितनी तेजी से भाई, वो लड़का रो रहा है भाई, लड़का बहुत ज्यादा दर्द है, पता नहीं लड़के को क्यों बेजान से मार, हमला ना कर दे यार, अब हम लोग भाई पीछे लगा उस तरफ लगा, वो आ गए भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, ठेला पड़ा रहने दे, ठेला पड़ा रहने दे, पीछे जा कैमरा, वो रहे भाई ठेले के पास,
ठेला का टेंशन मत लेना, ठेला को कुछ नहीं होगा, क्या कि जान रहेगी तो ये ठेला एक नहीं दस आ जाएंगे फिर से, ठीक है। अरे टेंशन नहीं लो, हम है, अगर ठेले को कुछ होता तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, वो चीज हम करेंगे। ये देखो भाई ठेले के पास ही दोनों, अबे यार ही कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा यार देखा जाएगा, भगवान का बस नाम लो कि हम लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। तो भैया यहाँ पे वो दोनों अभी ठेले के पास आ चुके हैं, हमें ऐसा नहीं ठेले को पलट दिया जो भाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं करना है। भगवान यार हम लोगों की रक्षा करो, इन लोगों को घर छोड़े भैया, हवा भी काफ़ी ज़्यादा। जो भी कुछ चाहते हो तुम लोग, कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी करो ताकि हम लोग समझ जाएं कि ये चीज़ तुम चाहते हो, चीज़ हम तुम्हारे लिए पूरी करें, जो भी तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश हो कोई भी। एक मिनट चलते हैं थोड़ा, सब लोग आ जाओ साथ में, इधर आ जाओ, इधर हरोम भाई इधर आ जाओ साथ में रहो, चलते हैं थोड़ा आगे। वे ओए ओए भाई उठो 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 आराम से आराम, ओए चला लियो यार। ये देखो ओए यार, ये तो कुछ बताना चाहते हैं आग वाग का या जैसा भी कुछ इनके साथ हुआ हो यार, वैसा ही बताना ही चाह रहे हैं। ये देखो हरिओम भाई साइड में आ जाओ, ये देखो यार मोबाइल में दूसरा, ये देखो। ओए क्या चाहते हो तुम लोग बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? ये मिनट भाई, रुक रुक रुक, निर्मल भाई तू जा सब लोगों के साथ में हैंडल कर। भैया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो माँ और बेटे की आत्मा, दोनों की आत्मा यहाँ पे आ चुकी है सामने, और ये भैया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, किसी की भी जान ले सकते हैं। एक मिनट, चल 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 चल, ये देखो कुछ तो बतानी आई थी यार, हमला नहीं करना चाहती भाई, अगर हमला करना चाहती है तो ठेले को पलट देती, हम लोगों के ऊपर हमला करती, कुछ बताना चाह रही भाई आग को लेकर, कुछ बताना चाह रही कि हमको आग से या कुछ भी, हाँ ये कुछ कोई ना कोई तो भाई सिंबल दे रही जो हम लोग, ये कुछ हो सकता है। चल 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 आगे चल आगे चल, अबे पेड़ पे चढ़ रहे हैं यार दोनों, ये देखो भैया ये देखो पेड़ पे, ये यार चल चल ठेला ठेला को लेके आ, ठेले को लेके आ, ठेला लेके आ जा सर, तो आ गया आ जा, ठेला लेके आ जा यार, आराम से सर्वेश भाई आराम से, हरिओम भाई साथ में रहो आप, ठेले को थोड़ा आगे लेके आओ यार, बस रोक 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 यहीं पे रोक, ये देखो पेड़ पे भैया अभी भी हैं, और इस सब के सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि हम लोगों को घर जाना, तो भैया फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और भैया आप लोगों को मिलने वाले पूरे 500 रुपये, जिसका भी कमेंट अच्छा रहेगा उसको तो फटाफट आप लोग कमेंट कर दो। अब हम लोग भैया यहाँ पे ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, निकलते क्योंकि ज़्यादा देर रुकते तो भैया जान भी जा सकती, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।